रचित चौधरी उर्फ रचित जाट जनपद बिजनौर के सिहारा गांव में जन्मा, जो कि हल्दौर थाना और झालू कस्बा के बिल्कुल समीप पड़ता है। बचपन से ही निडर और साहसी प्रवृत्ति का ये बालक था। 12वीं की शिक्षा जनपद के आरजेपी इंटर कॉलेज से प्राप्त की, उसके बाद एलएलबी प्रथम वर्ष में इसने एडमिशन लिया। कोरोना काल होने के कारण कॉलेज बंद थे, तो इसलिए अपने गांव सिहारा में आकर के जाटों का जो परंपरागत काम है खेती, उसमें अपने बड़े भाई रौनक चौधरी और अपने पिता बबलू जाट का ये सहयोग कर रहा था। प्यारे भतीजे के साथ खेलता रहता था, यारों के सुख दुख में खड़ा रहता था। यारों का यार था रचित चौधरी। तेजी से लोकप्रिय इसलिए हो रहा था कि किसी भी दोस्त पर आधी रात भी कोई मुसीबत अगर आती थी तो रचित उस मुसीबत और दोस्त के बीच में खड़ा होता था। आप समझ सकते हैं कितना निडर और कितना साहसी था। तमाम विरोध, तमाम परेशानियों के बावजूद ये चट्टान की तरह मुसीबत और दोस्तों के बीच में हमेशा खड़ा रहा। इसकी ये निडरता, ये साहस इसकी जान का दुश्मन बना। 5 फरवरी शुक्रवार को रचित चौधरी अपने घर पर ही था, नहा करके तैयार था। बीमार दादी जो कि ऋषिकेश के जोली ग्रांड में एडमिट है, उनको देखने जाने का उसका कार्यक्रम था। तभी रामपुरी के 2 युवक उसके घर पर आते हैं और अपना जन्मदिवस बताकर उसे अपने साथ जिद करके ले जाते हैं। और बाद में सूचना मिलती है कि रचित चौधरी की झालू कस्बे के बाजार में सरेआम 5 आतताइयों ने गोली से भून करके हत्या कर दी है। भीड़ तमाशबीन बनी रहती है, हज़ारों की तादाद में लोग कॉलोनियों में रहते हैं, बाज़ार में रहते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। वो अपनी जान बचाने के लिए एक दुकान में भी घुसा, लेकिन वहाँ पर भी हत्यारों ने उसे नहीं छोड़ा। हत्या करने के बाद वहीं पर बैठे रहे और अपनी गिरफ्तारी दी और कहा कि ये जो वीडियो है इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दीजिएगा। ये किस प्रकार की मानसिकता है, ये वर्चस्व की लड़ाई थी। रचित चौधरी उनकी आंखों में खटक रहा था, उसकी लोकप्रियता उनको जीने नहीं दे रही थी। उनको लगा अगर ये इतना लोकप्रिय हुआ तो हमारा तो बोरा बिस्तर इस पूरे क्षेत्र से बंद हो जाएगा, इसलिए इस घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों, ये किस प्रकार की मानसिकता है। एक और शख्स जिसका नाम नाजिम है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है, उसने एक वीडियो वायरल किया। उसमें वो कहता है सरकार को, गद्दी तेरी होगी, उत्तर प्रदेश सरकार को कह रहा है, गद्दी तेरी होगी, ताज हमारा होगा, जगह कोई भी हो राज हमारा होगा। मतलब पुलिस प्रशासन को खुला चैलेंज कि सरकार भले ही आपकी हो लेकिन राज हमारा होगा। ये वर्चस्व की लड़ाई है और वर्चस्व हम कायम करेंगे इस पूरे क्षेत्र में। पूरे जाट संप्रदाय को, हिंदू संप्रदाय को उन्होंने चुनौती दी, विशेष संप्रदाय के युवाओं ने, और रचित को घेर करके कुत्तों ने एक शेर का शिकार किया। लेकिन वो रचित को तो मार सकते हैं, लेकिन उसकी जो यादें हैं, उसकी जो बहादुरी है, वो लाखों युवाओं के दिलों पर राज करता था, उसको कैसे मिटाएंगे। दोस्तों, 5ों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। साजिशकर्ता जोनी, उसको भी कल पुलिस ने मंडावर के पास से पकड़ लिया है, और एक और साजिशकर्ता ऋतिक अभी फरार है, लेकिन आज कल में वो भी पकड़ा जाएगा। दोस्तों, रचित हमारे बीच नहीं है। कल 11 फरवरी बृहस्पतिवार को रचित चौधरी की रस्म तेहरवी है। लाखों दिलों पर राज करने वाला युवा हमारे बीच नहीं है। कल हमें अधिक से अधिक संख्या में रोते बिलखते परिवार के साथ खड़ा होना है। उस माँ के आंसू पहुँचने हैं जिसका 21 साल का लाल चला गया। उस बड़े भाई रौनक चौधरी के कंधे पर हाथ रखना है जिसने अपना एक दोस्त खो दिया है, एक सहयोगी खो दिया है। बबलू जाट के बुढ़ापे की लाठी, उसका छोटा बेटा
अब इस दुनिया में नहीं है दोस्तों, हम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इस परिवार की आर्थिक मदद अवश्य कर सकते हैं। मेरी आप सभी से विनती है, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे वो राजनेता हों, विपक्ष के लोग हों, या उसके यार दोस्त हों, आस पड़ोसियों, रिश्तेदार हों, व्यक्ति चला जाता है, आर्थिक रूप से अगर हम थोड़ा सा भी गिलहरी प्रयत्न करें तो कहीं ना कहीं ये भी ऋतिक को एक श्रद्धांजलि होगी। आइए कल अधिक से अधिक संख्या में उसके गांव सिहारा पहुंचते हैं, उसकी रस्म तेहरवी में, और परिवार के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से ये देश चलता है, हमें कोई हिंसा नहीं करनी है। पुलिस प्रशासन को और आतताइयों को ये दिखाना है कि ऋतिक अकेला नहीं है। प्रशासन को भी ये संदेश जाएगा कि हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले, और समाज में एक संदेश जाए कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अगर घटना को अंजाम देता है तो हो सकता है दुबे की तरह कोई गाड़ी ही पलट जाए और परिवार को इंसाफ मिले। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, धीरज रखिए, कल मिलते हैं। और जो मित्र, जो दोस्त ऋतिक के कल उसकी रस्म तेहरी सिहारा में पहुंच रहे हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी स्वीकृति दें। हम भी आ रहे हैं, कल मिलते हैं सिहारा में।